ये एक छोटा कौन सा काम मम्मा कौन कहते हैं जो छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, क्या कहते हैं इनको? हाँ दीपो, चाइल्ड क्या? चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर भी है हमारे पास, बेबी मायरा, बाल मजदूर भी है हमारे पास। हम पे केस हो सकता है जो भी देख रहा है ये। बाल मजदूर सिर्फ निकालता है, बनाता नहीं है। बाल मजदूर का भी टी टाइम है, आए हाय। बाल मजदूर खुश है काम करके भी, बस इसको पानी चाहिए टाइम टाइम पर। चाय नहीं मांगता ये वाला मजदूर, पानी मांगता है। दीपू आप क्या काम है जो आप नहीं कर सकते हैं? क्या काम है जो आप नहीं कर सकते? काम सब कुछ कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिशियन का भी। क्यों आप बड़ी बिजलियों का काम थोड़ी कर सकता हूँ? मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम हो तो कर ही लेते हो आप? ठीक, इतनी नॉलेज नहीं है, बट डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे संपर्क करें अगर घर में बिजली की, नल की, दीवार की, ऐसे मिस्त्री की जरूरत हो तो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज आज है डॉटर्स डे। मैं भूल गई थी, एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था, तो मुझे भी कहीं निकलना है। मेरे बाल गीले हैं, शैम्पू करा है मैंने, और मैं भी रेडी नहीं हूँ। ऐसे ही मैंने सोचा चलो मैं शूट कर देती हूँ, बिकॉज मायरा बुआ के पास है, फिर वो आ जाएगी, फिर मैं इंट्रो ही करना भूल जाती हूँ और ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। थोड़ा सा टाइम था इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूँ। आज है डॉटर्स डे, मैं अभी जसमीत के साथ जा रही हूँ मायरा के लिए कुछ लेने, और देखते हैं आज कैसे सेलिब्रेट करेंगे। आज हमारे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं घर पर, तो आप लोगों को उनके साथ भी हम लोग कैसे इन्जॉय करते हैं फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। वो हमेशा आते हैं, मैं कभी व्लॉग नहीं करती, बट आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आपको दिखाऊँ कि हम क्या कैसे क्या मस्ती करते हैं, कौन कौन है सबसे मिलवाऊँगी। पहली बार मिलेंगे आप लोग, और आई होप आप लोग आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बिकॉज कुछ अलग होगा। हमेशा अपने फैमिलीज के साथ ही मेरे व्लॉग देखे होंगे या फिर सामा मैं इनके साथ फ्रेंड्स में, बट आज कुछ नया देखने को मिलेगा आपको। सो या स्टे ट्यून, मैं फटाफट से रेडी होती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मायरा सो गई थी रास्ते में ही, मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि वो मेरे कंधे पर थी, और हमारे हाथ में इतना सामान था कि हम घर के जस्ट बाहर वाली शॉप पर ही थे, बट हमें घर आने के लिए ऑटो करना पड़ा। और उसके बाद फिर आके हमने फटाफट से सारा सामान फ्रिज में धोकर फ्रिज में लगाया, और अब मैं आई हूँ मायरा के पास और मेरा सर पूरा गीला हो गया है। पता नहीं ये पसीने हैं या मेरा सर वैसे भी गीला था क्योंकि मैं नहा कर गई थी, तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ बिकॉज बहुत थक है। मायरा को गोद में लेकर शॉपिंग करना वेरी टफ। मायरा तो सो गई है, थोड़ी देर बाद उठेगी, और जसमीत भी अभी रेस्ट कर रही है, मैं भी कर रही हूँ, दीपू भी आए नहीं हैं, और मम्मा ने डोनट मंगवाए। मम्मा का मुझे फ़ोन आ गया था कि केक मत लेकर आना, मैं डोनट मंगवा रही हूँ, तो मम्मा ने डोनट मंगवाए हैं। डोनट से ही हम आज डॉटर्स डे मनाएंगे। या अभी मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और मैं फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने मायरा के लिए नॉर्मल, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं लिया, नॉर्मल सी ही एक फुल स्लीव की टी शर्ट और पजामे का सेट लिया है, और एक सैंडल्स लिए हैं। मम्मा ने भी मुझे पैसे दे दिए कि कुछ ले लेना मायरा के लिए, तो मैंने उसके लिए बड़े प्यारे से शू टाइप के कुछ लिया है, दिखाऊंगी। मुझे ना एक्चुअली एक्सप्लेन करना नहीं आता, मैं उस टाइम ना कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, बट मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने। और बाकी मायरा के लिए मैंने कुछ ऑनलाइन भी ऑर्डर कर रखा था, वो के साथ वो भी शेयर करूँगी। चलो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। दिखाओ। अरे मैं कैमरा पकड़ा है ना, बोले लो मैं दिखाती हूँ। दिखाओ। एक मैंने मायरा के लिए शूज लिए हैं। मायरा इतना खुश हो रही थी ना इसको पहन कर, ट्राई करके आवाज कर रहे थे क्या कुछ तो होगी, ये बच्चे इसी से खुश हो जाते हैं बहुत। इसमें दो कलर थे, एक रेड भी था, बट मुझे ये ज़्यादा पसंद आया तो मैंने ये ले लिए। और वो जो भी इसने ड्रेस पहनी है उसके साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, और इस तरह के मायरा की ड्रेसेस और भी हैं तो मैंने इसलिए ले लिए, और अब आगे विंटर्स भी आ रहे हैं तो इसलिए। और एक मैंने नॉर्मली उसके लिए सेट लिया है क्योंकि अब ठंड आ जाएगी और पता नहीं कोरोना कब तक चलने वाला, तो मैंने कुछ फैंसी नहीं लिया, बट कपड़ा इसका बहुत अच्छा है
इस तरह का मैंने एक सेट लिया है, नाइट में भी पहन सकती है, डे में भी पहन सकती है वो, बहुत ही प्यारा कलर था ये भी। इसमें बहुत सारे कलर थे बट मुझे सबसे अच्छा यही लगा ये। और एक मैंने मायरा के लिए नाइट सूट भी मंगवा लिया था पहले से ही, वो भी मैं आपको दिखाई देती हूँ, वो मैं शायद अभी मायरा को पहना दूँगी। वो नाइट सूट है ये वाला, ये देखो, ये इसका ऊपर का है और ये है मायरा का पजामा। कैसे लग रहा है वाला नाइट सूट? अब आप लोग पूछोगे कहाँ से लिया, तो ये मैंने मंगवाया था, भूल गई कहाँ से मंगवाया था, कहाँ से मंगवाया था ये? फर्स्ट ट्राई से। थोड़ा सा बड़ा है उसको, अब मैं मायरा को ही पहना देती हूँ। मैंने अपना नाइट सूट चेंज कर लिया है, मायरा को तभी चेंज करूँगी जब वो सोने वाली होगी, क्योंकि अभी वो खेलेगी दीवा के साथ बहुत सारा, तो फिर नाइट सूट में स्वेटिंग हो जाती है। फिर ये वाली ड्रेस अगर कुछ स्वेटिंग होगी तो मैं उसको डिटॉल का मैं एक पानी बना के रखती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, डिटॉल में पानी मिक्स करके उसको स्प्रे करके, क्योंकि अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया तो रात में नहलाती नहीं हूँ, वरना पहले नहला देती थी, तो उससे स्प्रे करके साफ़ करके फिर मैं उसको नाइट सूट डालूँगी। बाकी मैंने डाल लिया है क्योंकि जैसे कि बताया था बाहर कहीं नहीं जा रहे, घर का ही सीन है। और बालों को इग्नोर करना, आज वॉश करे थे तो उसके बाद ऐसे ही हो जाते हैं, उड़े उड़े उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। अरे चलो अंदर चलो, चल शredded चिकन, ये है मशरूम और ये है चिकन। वहाँ पे गाने चला के बैठे थे इसलिए मैं, दीवा ने बोला मायरा के साथ खेलना है इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आ गई। सो दीवा कुछ कहना चाहते हो? पहले सबको बता दो आप कैसे हो। मैं बढ़िया हूँ लेकिन आज मैं बहुत कम गाऊंगी। कब कम? हाँ, आज मैं बहुत कम गाऊंगी आपके साथ। कहूंगी क्यों? क्यों मत दीवा, आपको पता है आपकी सबने कितनी तारीफ करी है, पहले तो आप सबको थैंक यू बोलो। आपको पता है आपने, आपकी सबने कितनी तारीफ करी है कि दीवा कितनी प्यारी है। और आज क्या है? आज तो विश करना बनता है। क्यों? आज कौन सा डे है? डॉटर्स डे। तो फिर आपने मायरा को गिफ्ट नहीं दिया? मैंने मायरा को पहले ही गिफ्ट दे दिया। उसको मैंने कपड़े दिलवाए हैं और उसको मैंने सैंडल्स दिलवाए हैं और उसके लिए डोनेट भी मंगवाए हैं। अभी हम खाएंगे लास्ट में, ठीक है? डोनट्स। और आप भी कुछ लेकर आए हो ना, केक? हाँ। दीवा केक लेकर आई है, दीवा को केक काटना था। और मैं और मायरा केक काटेंगे क्योंकि आज डॉटर्स डे है। मायरा हैप्पी डॉटर्स डे मेरा बच्चा। लव यू चाची। अब मैं भी तो डोनट्स की शर्ट पहनी है। डोनट्स की शर्ट पहनी है। मोमबत्ती और ये है मेरा माउस, मैं गाना गाना चाहती हूं। कि माउस के लिए नहीं, फिर चलो गाओ रैंडमली। मायरा कैसे देख रही? मायरा कैसे देख रही है? थैंक यू दीवा, आपने बहुत अच्छा गाया और मायरा का वहाँ जली जली वाला डांस हो गया। लेवेंडर्स ब्लू जिली जिली लेवेंडर्स ग्रीन। मायरा करो
Lavender's blue, jilly jilly, lavender's green. मायरा खा रही है खिचड़ी और यहाँ मायरा की रैम्स चल रही है, वहाँ टैब में दीवा की भी खाना खा रही। क्या खा रहे हो आप? दाल मखनी। आपकी फेवरेट है भी आपने बताया। और मायरा खा रही है डोनट क्योंकि मायरा ने तो खा ली थी खिचड़ी। दीवा मुझे हर 5 मिनट बाद बोलती है चाची मेरा व्लॉग बना दो। हाँ बताओ क्या बोलूँ, क्या बोलना है आपको व्लॉग में? What are you making? I am making khichdi. Khichdi? वो दाल में मिर्ची। दाल में मिर्ची? दाल में मिर्ची थी। मिर्ची? दाल में मिर्ची थी इसलिए बना रहे खिचड़ी। फनी जोक मार रहे यार। चाचा चपड़ी कच्ची खिचड़ी। चलो और ट्राई करके देखते हैं। फ्राई करके? नहीं ट्राई। ट्राई? मजा आ गया। 10 out of 10 क्योंकि दीवा ने बनाई है मिचड़ी। ओके चलो अब मैं जा रही हूँ। सॉरी गाइज मैं बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। मैं किचन में थी, मैं राइस बना रही थी तड़के वाले, उसके बाद फिर मैं मायरा को खाना खिलाने लग गई, खिचड़ी खिलाने लग गई, फिर मैं मायरा को डोनट खिलाने लग गई और अब हमारे साथ जुड़ गई है दीवा। आपको मम्मा में कोई इंटरेस्ट है? नहीं है। ये देखो डोनट लगा है। डोनट सबसे प्यारा डोनट है। अभी हम केक भी कट करेंगे है ना दीवा? ओए सुमन खा गया मेरे एलिमेंट की। मारे ऐसे कर दो पाउच, मारे ऐसे कर दो। ये एक्सपेरिमेंट है हमारा, बाग में बहुत बड़ी मिट्टी बनाऊंगी। ये है हमारा हैमर, थोड़ी क्लोज करो ना। हाँ जी ये है हमारा हैमर और ओके तो अब हम बनाएंगे बड़ी से बड़ी बिल्डिंग। ओके बाद में मिलते हैं, बाय। दीवा मायरा ने ही तोड़ दिया पहले आपकी बिल्डिंग को। तो ये मैंने तोड़ा। गलत गलत ऐसे हो नहीं पा रहा, आपको खुद मेहनत करके, खुद ही मेहनत करके तोड़ना पड़ रहा है। हाय मेरी जान, मेरी सोना, मेरी प्यारी बच्ची, ये मत कर भैया मेरे को दे दे। इतनी प्यारी प्यारी बातें तो मायरा कहेगी मामा आप भी नहीं बोलते मेरे लिए। हाय मैंने दीवा को बोला प्लीज मेरी हेल्प कर दो, थोड़ी सी टॉयज बास्केट में डालने के लिए। वो मेरी हेल्प कर रही है, ये वाले जाएंगे इस वाले में। और देखो मुझे मायरा का क्लिप भी मिला। मायरा तो हेल्प करेगी नहीं क्योंकि उसको पता ही नहीं हेल्प का मतलब ही क्या होता है, तो मुझे और दीवा को मिलकर ही करना पड़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा काम है जो मेरा बहुत ज्यादा ईजी करवा दिया है दीवा ने आज। थैंक यू दीवा, थैंक यू। थैंक यू वो वाला भी देना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने मेरी कितनी ज्यादा हेल्प कर दी। थैंक यू सो मच। अब ये वाले बच्चे हैं सारे फटाफट से। आप रहने दो। अरे नहीं नहीं बेटा मैं भी करूंगी, फिर ऐसे आपको टाइम लगेगा, आप भी तो थक ही जाओगे ना। दोनों कर देते हैं फटाफट। दिखा दो, गिरा दो, गिरा दो। अब सब आ सकते हैं, अब सब कौन है? लाला लाला मम्मी विद थिंग्स।
हाँ दीवा के पापा दीवा और दीवा की मम्मी दिखा दो, हट जाओ, सब जानना चाहते हैं। इतनी प्यारी बच्ची है किसकी चोली, और ये कौन है? ऐसी ऐसी यूट्यूब के लिए आप मेरे डॉलर खत्म कर दो यार। और ये है मैडम चाची चाचू। कौन सी टच है? अब धुन्नी बता भी दो क्या होता है। आप फिजा नहीं बोला, आपको पता है ना क्या बोलना है? नूरे। पहले दीपिका, पहले क्या था मेरा नाम? दीपिका पादुकोण। चेंज क्यों कर दिया? वो ड्रग्स में आ गई ना। और फिर नूरी आ गई। क्या हो, कौन है? बेस्ट डांसर नूरी, आप वैसे लग रहे हो मुझे, सब डांस बनता है। नहीं 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 नहीं, खाना खा लिया। और जब हम खाना खा रहे थे तो मैंने मायरा को उसकी बुआ को पकड़ाया था और वो सो गई है, और अब केक नहीं कर पाएगी मायरा। तो डोनट तो मैंने उसको पहले ही खिला दिए थे, अब हम जा रहे हैं केक कट करने वहाँ, और उसके बाद आकर सो जाएंगे। चले चलो। मेरा बच्चा सो गया है और उसके बिना मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, बट नेचुरल भी डोनट वाला बना। अभी वो लोग सब तुम्हारे कप केक काटेंगे, और मुझे सुबह उठना भी है क्योंकि हमें जाना है चांदनी चौक, टाइम आएगी तो मुझे जल्दी सोना है। कौन सी डॉटर? वो सो रही है यार, वो सो गई। सो गई। सबके ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप। ये अकेले, आपका ग्रुप कहाँ है? हम अकेले ही हैं भैया। अरे वाह यार, लिट्टू कैंडल लेके आ गई थी, उसमें वो दरवाजा बंद कर। चलो यार चलो, कह रहा सॉरी। हेलो मैडम, आई शैडो इधर, क्या बोल रहा है? डॉटर सॉन्ग। हैप्पी डॉटर्स डे टू यू। अच्छा बेटे सीधे बैठो, देख लो सबको, सबसे ज्यादा ये अपनी एक, ये आज अपनी एक ही बात पे टिके हुए, मैं फिजा हूँ, बोल तो दो मैं फिजा हूँ।